नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। भाजपा के राम कदम ने कहा, मालेगांव बम ब्लास्ट साजिश के तहत संघ परिवार और हिंदुओं को बदनाम किया कांग्रेस और राष्ट्रवादी दल ने। 31 गवाह हुए हॉस्टाइल। सच कभी छुपता नहीं है, वह एक न एक दिन लोगों के सामने आ ही जाता है। मालेगांव बम कांड मामले में कांग्रेस और राष्ट्रवादी दल की जो साजिश थी, हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को और संघ परिवार को बदनाम करने की, वह साजिश अब खुल करके लोगों के सामने आ गई। एक नहीं बल्कि 31 गवाहों ने इस बात को स्वीकार किया है कि उस समय की कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार ने पुलिस के द्वारा इन लोगों को पीड़ित प्रताड़ित किया, उन पर अलग अलग जुल्म ढाए गए और जबरन उनके द्वारा हिंदू नेताओं के नाम साजिश के तहत इसमें जोड़े गए। क्या कारण था? हम कांग्रेस दल और राष्ट्रवादी के नेताओं से पूछना चाहते हैं कि चुनाव समीप आते हैं तब आपको हिंदू समाज की याद आती है, स्मरण होता है, आपकी करतूतें हिंदू समाज के विरोध में क्यों है? आपका प्रखर हिंदू विरोध होने का क्या कारण है? पूरी तरह से साजिश के तहत संघ परिवार और हिंदू समाज को बदनाम करने का प्रयास कांग्रेस और राष्ट्रवादी के द्वारा हुआ है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।